आज इस वीडियो में बताने वाले हैं सीएससी के बारे में। सीएससी ने एक नई अपडेट जारी की। जैसे ही हम सीएससी आईडी लॉगिन करते हैं तो आपको योर ऑलरेडी केवाईसी ड्यू प्लीज कंप्लीट योर केवाईसी अप्रूव, यहां पर आपको अपडेट करना पड़ेगी आपको केवाईसी। जैसे ही हम अपडेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपकी सारी प्रोफाइल आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल सही सही से भर देनी है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डाल देना है, इसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल देनी है, यहाँ पर पिन कोड डाल देना है, रेसिडेंट एड्रेस जहाँ पे आप रहते हो उसका एड्रेस डाल देना है, इसके बाद यहाँ पर कोई जहाँ पे आपकी शॉप है वहाँ का एड्रेस यहाँ पर डाल देना है, इसके बाद यहाँ पर आपको रूरल क्षेत्र से हैं तो रूरल क्षेत्र भर देना है, इसके बाद अर्बन से हैं तो अर्बन क्षेत्र भर देना है। यहाँ पर आपको जैसे रूरल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारी डिटेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगी। यहाँ पे आप डिटेल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो ज़िला है आपका वो ज़िला सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे असेंबली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप असेंबली विकास खंड लगता है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड डाल देना है, इसके बाद यहाँ पर पैन नंबर डाल देना है। पैन नंबर डालने के बाद वैलिडेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाए। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल देना है, इसके बाद यहाँ पे एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईकेवाईसी हो जाएगी, जिससे कि हमारी आईडी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप ईकेवाईसी नहीं करते हैं तो आपकी आईडी भी बंद हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और आप कमेंट में लिख के बताना आपकी ईकेवाईसी अप्रूव हो गई है नहीं हो गई है, और नए चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना।